व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही खास जगह में हूँ। मैं हूँ मुक्तेश्वर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा हिमालयाज है पीछे और यहीं पे मैं शूट कर रहा हूँ और एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। एक भाई ने मेरे से पूछा है कि एंडोरा मास्क पे भी एक वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो जो है वो एंडोरा मास्क के ऊपर ही है। एंडोरा मास्क आखिर होता क्या है, एंडोरा मास्क क्या है, किसको लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, इस सारे चीज के बारे में मैं बात करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वेलकम बैक गाइज। आज हम बात कर रहे हैं एंडोरा मास्क के बारे में। मेरे से किसी ने पूछा है कि एंडोरा मास्क के बारे में भी एक वीडियो बनाइए, क्या एंडोरा मास्क अच्छा है, क्या एंडोरा मास्क लेना चाहिए। तो इसको जानने के पहले हमें ये जानना है कि एंडोरा मास्क आखिर किस लिए रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं देखूँ एंडोरा मास्क जो है वो एक वेट गेनर है और ये बेसिकली वेट गेन के लिए लोगों को रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आप भी अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स डायटिशियन आप लोग को एंडोरा मास्क रिकमेंड करेंगे। और आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप लोग को एंडोरा मास्क लेना चाहिए, ऐसा क्या खास चीज़ है इसमें जिसके कारण आपका वेट गेन होता है एंडोरा मास्क लेने से। तो आइए जानते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट में क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इसका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है माल्टोडेक्सटिन। माल्टोडेक्सटिन, उसके अलावा आपको सोय प्रोटीन आइसोलेट, होल मिल्क पाउडर, शुगर, कोको पाउडर और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है माल्टोडेक्सटिन। और माल्टोडेक्सटिन क्या है? बेसिकली माल्टोडेक्सटिन जो है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और माल्टोडेक्सटिन जो है बहुत ही चीप फॉर्म में आता है, बहुत ही सस्ता आता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी जो है वो माल्टोडेक्सटिन अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। और माल्टोडेक्सटिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही हाई होता है, 100 से भी ऊपर, 130, 135 तक उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है अगर वो आप लेते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन स्पाइक की वजह से आपका वेट गेन भी हो सकता है और डायबिटीज भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अगर आप इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम एंडोरा मास्क में आपको तकरीबन 416 कैलोरीज मिल जाएंगे, जिसमें कि 79 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट है। गाइस, 79 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से 12 ग्राम के आसपास शुगर है। और प्रोटीन जो है 100 ग्राम में आपको तकरीबन 15 ग्राम ही आपको प्रोटीन मिलेगा और फैट जो है वो आपको 4.5 ग्राम मिलेगा। तो गाइस, इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोडेक्सटिन के फॉर्म में आता है और माल्टोडेक्सटिन आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोग को अपना वेट गेन करना है तो मैं आप लोग को ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को वेट गेन के लिए लेते हैं, हो सकता है कि आपका वेट गेन हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन आने वाले समय में आपको डायबिटीज होने का 100% चांस रहता है अगर आप इस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो वजन कैसे बढ़ाए? तो गाइस, वजन बढ़ाने के लिए आपको एक कैलोरी सरप्लस डाइट में जाना पड़ेगा। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आपको कम से कम एक दिन में 2500 कैलोरीज खाना पड़ेगा और वो आप कोई भी खाने से आपका ले सकते हैं, जैसे कि आप दो रोटी और बढ़ा लीजिए, दो तीन केले खा लीजिए, अंडे खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए और नट्स एंड सीड्स, ये सब जब आप खाएंगे तो आप अपना कैलोरी इंटेक भी बढ़ा सकते हैं। और जब अपना कैलोरी इंटेक मेंटेनेंस कैलोरीज से बढ़ा लेंगे तो आप अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस प्रोडक्ट को मत लीजिए, ये प्रोडक्ट आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो एक हेल्दी फूड लीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, ये सारे
चीज के सेवन जब आप करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आप खजूर खा लीजिए। खजूर में बहुत अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो नेचुरल शुगर है, वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप अंजीर खा लीजिए, उसमें अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे भी आपका कैलोरी इंटेक जो है अच्छा खासा बढ़ जाएगा। आप जो है बादाम खा लीजिए, बादाम में आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज मिलेगा और बहुत ही हाई कैलोरिक फूड होता है आलमंड्स, तो आलमंड्स खाइए। और अगर आप पीनट बटर खाएंगे तो 2 चम्मच अगर आप पीनट बटर खाते हैं तो आपको तकरीबन 400 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को ना लेके मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप पीनट बटर खाइए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात होती है, अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए रोज़ाना, वो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा और वो आपके शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो उससे सिर्फ मुझे फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।